फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ ईशा एंड आप देख रहे हैं ईशा'स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक हेल्दी, टेस्टी एंड यमी स्मूदी। ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा ब्रेकफास्ट के लिए, जो हेल्दी होगा। उसके लिए हमें चाहिए ड्राई क्रैनबेरीज एंड बनाना। फ्रेंड्स, एज वी नो, जो हमारा बनाना होता है वो हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उसमें पोटाशियम होता है, विटामिन सी होता है, वो हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट से फाइट करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, जो हमारी कैनबेरीज होती हैं वो भी एक पॉपुलर टाइप ऑफ बेरी में से आती हैं, जो हाई इन न्यूट्रेंट होती है एंड हाई इन एंटीऑक्सीडेंट होती है। कैनबेरीज के बहुत सारे बेनिफिट हैं। वो प्रिवेंट करता है हमारे इन्फेक्शन से, हमें सपोर्ट करता है डिजेस्टिव हेल्थ के लिए, इम्प्रूव करता है हमारे हार्ट हेल्थ को। एंड फ्रेंड्स, जो फ्रेश कैनबेरीज होती है वो नियरली 90% वाटर कंटेन करती है। फ्रेंड्स, स्मूदी बनाने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी ये स्मूदी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं स्मूदी बनाना। उसके लिए हमें चाहिए एक बनाना, एक बाउल कैनबेरी, शुगर, सॉल्ट एंड मिल्क। फ्रेंड्स, सबसे पहले मिक्सिंग जार लीजिए, उसमें एक गिलास दूध डाल दीजिए, फिर जो हमारा एक बाउल कैनबेरी है वो डाल दीजिए। फ्रेंड्स, जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो सब कुछ एक साथ मत डालिए, जैसे कि बनाना, शुगर, सॉल्ट। हम सबसे पहले कैनबेरी को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि वो हार्ड होती है तो उसे टाइम लगता है ब्लेंड करने में। अगर आपके पास फ्रेश कैनबेरी है तो आप सब कुछ एक साथ मिक्स करके ब्लेंड कर सकते हो। कैनबेरी को ब्लेंड करने के बाद हम उसमें डाल देंगे बनाना। बनाना डालने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें एक टेबल स्पून शुगर। आप चाहो तो फ्रेंड्स हनी भी ऐड कर सकते हो। आफ्टर शुगर हम उसमें डालेंगे सॉल्ट। फ्रेंड्स, हमें इतना सारा सॉल्ट नहीं डालना है, हमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट ही डालना है। ये थोड़ा सा डालने से हमारी स्मूदी में इतना अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, सब कुछ डालने के बाद अब बारी आती है इसे ब्लेंड करने की बारी। देखिए फ्रेंड्स, ब्लेंड करने के बाद हमारी स्मूदी रेडी है। अगर आपको ये थोड़ी सी थिक लगे तो आप थोड़ा सा दूध और डाल के इसे एक बार फिर से ब्लेंड कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है इसे पीने की। पीने के लिए इसे हमें चाहिए एक गिलास। तो हम अपनी स्मूदी डाल रहे हैं एक गिलास में, तो इसे अच्छे से डेकोरेट करके हम पीते हैं। फ्रेंड्स, आप भी स्मूदी बनाइए ये, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मेरे कहने पर एक बार ये स्मूदी जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ और कैनबेरी के साथ डेकोरेट कर दिया मैंने। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी यमी एंड टेस्टी हेल्दी स्मूदी रेडी है, बनाना एंड ड्राई कैनबेरी की स्मूदी। सो एंजॉय इट।